वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बेटा टेक्स और मैं हूँ अंबोज। तो गाइज आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये नॉइस के लिए एयरबड्स मिनी। चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है और कैसे हैं ये नॉइस के TWS। तो ये नॉइस की कुछ ब्रांडिंग दी गई है ऊपर और जो फिज़िकल हमारा बड्स हैं इसका कुछ लुक दिया हुआ है। नीचे लिखा एयरबड्स मिनी और लिखा है डिज़ाइन इन इंडिया। तो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हैं TWE। एयरबड्स मिनी के फीचर्स लिखे हुए हैं जिसमें कि 14.2 mm के साउंड ड्राइवर हैं, फुल टच कंट्रोल्स हैं, हाइपर सिंक है और वन की रीसेट है। तो ये फिलहाल इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और बाकी यहाँ पे कंट्री बहुत छोटा छोटा लिखा है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा सॉरी। तो और बाकी लिखा है लिसन टू द नॉइस विद इन, यानी जो नॉइज़ है उसको आप सुन सकते हैं इसके ज़रिए से। तो बॉक्स में कुछ ऐसा और ख़ास नहीं, तो फिलहाल इसको निकालते हैं, इसको साइड में रखते हैं और देखें बॉक्स खुलता कहाँ से। फिलहाल बताओ यहाँ से खुलता है तो ऊपर एक बुकलेट मिलती है हमें नॉइज़ और क्या मिलता है भी नॉइज़ रजिस्टर्ड या वारंटी। तो आप इसका वारंटी ले सकते हैं और ये हमारे पास कुछ फंकी से स्टिकर, नॉइज़ मेकर, नॉइज़ का लोगो, लिसन टू द नॉइज़ विद इन, नॉइज़ सुनो दिल का शोर और ये एक MPT कस्टम स्टिकर। अब फिलहाल देखते हैं इस सेक्शन में हमारे पास आई थिंक नॉर्मल USB केबल होनी चाहिए। हाँ तो केबल का सेक्शन है और ये कुछ फैन लगा हुआ है। फैन के बाद हमारा TWS सिंबल रखा हुआ है। TWS कुछ इस तरह के उसमें पैक्ड है। तो फिलहाल इसको निकाल लेते हैं। यार बाकी नहीं यार, कितना कॉम्पैक्ट साइज है इसका देख सकते हैं आप, मतलब पाम में मेरे इजीली फिट हुआ जा रहा है जबकि मेरा पाम कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। यहाँ नॉइस का लोगो है, नीचे USB टाइप सी चार्जिंग है, एक यहाँ पे एक छोटा सा फिजिकल बटन रीसेट के लिए दिया हुआ है। पर हमारा कितना सेटिस्फाइंग साउंड आती है हम उसको खोलते बंद करते हैं। तो नीचे एक LED इंडिकेटर भी है, जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये पेयरिंग मोड्स में चला जाता है। इसमें भी एक LED इंडिकेटर भी है, बाकी अगर इसका बटन दबाएंगे तो यहाँ पे भी एक LED इंडिकेटर भी है। फिलहाल सबसे पहले तो बॉक्स को साइड में रख दें। जैसे हम इसको खोलेंगे ये पेयरिंग मोड में चला जाता है और पेयरिंग मोड में कुछ नहीं, सिंपल कनेक्टिविटी है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इजी है, आपको कुछ नहीं, अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको एयरबड्स मिनी का जो ये लिड है ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एयरबड्स मिनी का तो इस ये एयरबड्स मिनी के साथ ये पेयर कर लेते हैं और ये पेयर कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं इसकी बैटरी और मैं इसका साउंड का सैंपल आपको अभी सुना देता हूँ, फिर आप एयरपोर्ट्स इसके बाहर निकाल के आप इसे म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इसमें टच कंट्रोल्स है नीचे की साइड, एक साइड आई थिंक इस वाली साइड है, तो यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एक ही साइड मिलते हैं और आपका ऑटो डिस्कनेक्ट का फीचर है इसमें। तो चलिए आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको घटाता बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम वगैरह अप सा अप डाउन हो रही है। और लेटेंसी की अगर बात कर लें इसमें तो आई थिंक 1.5 मिली सेकेंड्स की अप्रॉक्स लेटेंसी है जो मुझे लगी ऑनलाइन म्यूज़िक सुनने पे। ऑफलाइन में लगता थोड़ा कम हो, स्पॉटिफाई वगैरह पे तो 1.5 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी है। बाकी इसकी अभी साउंड सैंपल आपको मैं रख के सुनाता हूँ माइक के पास। गाइस ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये आ रही है ये हमारे एयरबड्स मिनी के और ये रियलमी के बड्स नियो से रिकॉर्ड हुई थी एक्सटर्नल माइक्रोफोन। आई होप साउंड में क्लियरिटी होगी, आपको सुन के समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी साउंड कैसी है। कैसी आ रही है ऑडियो मैं उसके बाद में बताता हूँ आपको, आप कमेंट सेक्शन में तब तक बताइए कैसी आ रही है।
ये था मेरा रिव्यू आज के नॉइज़ के ईयरबड्स मिनी पे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल पाए। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस।